और हमारे यहाँ कल भी ये महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है कि रिया ने कल कबूल किया है कि वो बट से भरी सिगरेट पीती थी। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है, जो नीरज है उससे संबंध करने वाली है एनसीबी, और सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी होगी जो सुशांत की मौत से जुड़ी है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी ने अपना पूरा जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब शौविक के घर में जब सर्च ऑपरेशन किया था, तो वहां से एक रिया का पुराना मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक टैबलेट बरामद किया गया था, और जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई थी उसमें जो डिवाइस थी, कुछ डिवाइस की जो जांच रिपोर्ट आई है फोरेंसिक, उसमें खुलासा हुआ है कि जो रिया की ड्रग्स मंडली है वो साल 2017, साल 2018 और साल 2019 से सक्रिय थी। कुछ व्हाट्सएप चैट, वीडियो और फोटो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगे हैं, जिसमें रिया कई बड़े सितारों के साथ मौजूद हैं, और एनसीबी को पूरा शक है कि वहां पर नशे की सिगरेट या ड्रग्स का सेवन हो रहा है। वो तमाम चीजों को रिया को दिखाया जाएगा, उनसे उसकी सफाई मांगी जाएगी। तो जाहिर तौर पर इसमें कई बॉलीवुड के जो चेहरे हैं नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या बड़ी मछलियों तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंचता है, क्या उनको सम्मान करेगा, क्या उनसे पूछताछ होगी। इस पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि श्रुति मोदी को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले वक्त में सम्मान कर सकती है, क्योंकि श्रुति मोदी ने सीबीआई के सामने बयान दिया था कि वो खुद सिगरेट नहीं लेती हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताए थे कि कौन कौन लोग नशे की सिगरेट का या ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी श्रुति मोदी से भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसको मिल सकती है। और कल कई सवालों पर रिया चक्रवर्ती फंस गई थी, लेकिन उन्होंने 80% भागीदारी अपनी मानी।